नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल तिवारी काइट लखनऊ में। आज हम लखनऊ के मजार ग्राउंड पर, जहां पर आइडियल काइट फ्लाइंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित आइडियल कप का मैच के 14वां दिन है और इसमें डी पूल का गेम हो रहा है कुछ, और कुछ सी पूल का और कुछ बी पूल का पेंडिंग गेम यहां पे कंप्लीट कराए जा रहे हैं। सालम भाई से पूछते हैं, आज कौन किस किस टीम का जो है गेम हो रहा है, भाई बताइए। नमस्कार। नमस्कार जी। जी तिवारी भाई, आज जो है चार गेम हो रहे हैं। एक जो है पेंडिंग गेम है, गाजी वर्सेस द टेंपल, वो भी चल रहा है। और दूसरा मैच जो एक नया है, डी पूल का जी जी, ओल्ड एवन वर्सेस न्यू मौलवीगंज। और एक गेम चल रहा है फाइटर वर्सेस क्या कहते हैं जेडी काइट क्लब, सुपर फाइटर वर्सेस जेडी। और एक गेम है सुपर वर्सेस आलमबाग के बीच में ये गेम चल रहे हैं इस टाइम। चार मैच, बारिश होने की वजह से मैच में बाधा आ गई थी, अब बारिश चली गई तो मैच रीस्टार्ट करा दिया मैंने जी। अभी किसी का फाइनल के करीब है नहीं? अभी जो है फाइनल के करीब जो है, सबसे जो पहली टीम हमें दिख रही है वो नया दौर और अवध, ये क्वार्टर फाइनल के इनका गेम चल रहा है। जो दो दो पॉइंट बचे हैं दोनों के, दो दो पेज जी, जो भी दो पेज कार्ड लेगा वो सेमीफाइनल खेलेगा। ठीक। जेडी काइट क्लब और फाइटर के बीच में गेम होता है, दोनों ही टीमों के बीच में स्कोर है, जेडी 6 है और फाइटर 5 है, और फाइटर के खिलाड़ी नीचे से लड़ा रहे। देखे सामने फाइटर के खिलाड़ी नीचे से लड़ा रहे, ऊपर से लड़ा रहे हैं। जेडी प्लेयर सामने यहाँ पे लड़ता हुआ देखेगा, और ऊपर से जेडी के प्लेयर नीचे से हैं, फाइटर के तेजी से अंदर जाते हुए हल्के हाथों से, ऊपर से फाइटर के प्लेयर चढ़ के आते हुए मुठ्ठा रखते हुए जगह बनाते हुए, फाइटर के प्लेयर पता है हल्के हाथों से ऊंची करते थपकी देते चलाते हुए मौके का इंतजार करते हुए दोनों खिलाड़ी, जेडी के प्लेयर अंदर बाहर करते हुए जगह बनाते हुए मौके का इंतजार कर रहे दोनों खिलाड़ी। जेडी के प्लेयर अंदर मुठ्ठा लेके आते हुए हल्के हाथों पतंग चलाते हुए दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी सामने यहाँ पे लड़ता हुआ, जेडी प्लेयर मुड्ढा रखते हुए जिगा बनाते हुए, फाइटर प्लेयर थपकी देते हुए पतंग चलाते हुए बाहर का मुठ्ठा लेके जाता, और यहाँ पे तेजी से अंदर दिखाई, और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन गद्दा मार के जेडी के प्लेयर ने पेच काट दिया, और स्कोर हो गया दोनों टीमों के बीच में 7-5 का। आलमबाग और सुपर के बीच में सेकेंड राउंड का गेम होता हुआ, आलमबाग के खिलाड़ी पिल्ला रहे ऊपर से पीछे और नीचे से लड़ा रहे हैं भैया पतंग बाहर मार लिए सुपर काइट क्लब के प्लेयर। दोनों ही टीमों के बीच में स्कोर है 1-0 का, एक पेच आलमबाग ने काटा और जीरो, एक पेच काटा है सॉरी सुपर ने, और 0 है भी आलमबाग का, और दोनों खिलाड़ी तैयारी लेते हुए पेच सही की झंडी दिखाई जा चुकी है हरी, पेस सही की सीटी बच चुकी है, छोटू लड़ा रहे नीचे से सुपर के लिए, ऊपर से लड़ा रहे आलमबाग के प्लेयर सामने पेज लड़ता हुआ, छोटू हल्के हाथों से अंदर बाहर जाते हुए पता अपनी हल्के हाथों से ऊँची करते हुए चक्कर देते हैं यहाँ पे आलमबाग के प्लेयर, बाहर का मुड्ढा लेके जाते हैं तेजी से, छोटू अंदर तेजी जाते हुए मौका का इंतजार करते हुए थपकी देते अपनी पतंग चलाते, और यहाँ पे आलमबाग के प्लेयर दोनों खिलाड़ी झटके पर चलता हो, यहाँ पे छोटू ने बाहर की तेज खींचने की कोशिश की, और यहाँ पे पेच आलमबाग ने काट दिया ऊपर से। न्यू मौलवीगंज और ओल्ड एवन के बीच में गेम होता हुआ, और स्कोर है दोनों टीमों के बीच में 2-1 का, ओल्ड एवन ने दो पेच काटे हैं और एक पेच काटा न्यू मौलवीगंज के खिलाड़ी, लड़ाएंगे पेच नीचे से और ऊपर से लड़ाएंगे ओल्ड एवन के खिलाड़ी सामने, पेस सही की सीटी बच चुकी है, ऊपर से खिलाड़ी है न्यू मौलवीगंज है नीचे से सॉरी, और ऊपर से है ओल्ड एवन के खिलाड़ी, पेस सामने लड़ता हुआ
ओल्ड एवन के खिलाड़ी चक्कर देते हैं, बाहर का मुड्ढा तेज लेके जाते हैं, न्यू मौलवीगंज के खिलाड़ी बाहर के तेज पट मारते हैं और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन पेच काट दिया न्यू मौलवीगंज के खिलाड़ी ने और स्कोर हो गया दोनों टीमों के बीच में 2-2 बराबर। ये मुद्दा धर के आई है ऊपर वाले। द टेम्पल वर्सेज गाजी के बीच में गेम होता हुआ और दोनों ही टीमों के बीच में स्कोर है 5-3 का। 3 पेच गाजी ने काटे हैं और 5 काटे हैं द टेम्पल ने और द टेम्पल के खिलाड़ी नीचे से लड़ाएंगे, ऊपर से लड़ाएंगे गाजी के प्लेयर। सामने देखिए जगह बना चुके हैं, वो देखिए पेच की तैयारी लेते हैं दोनों खिलाड़ी। पेच सामने यहाँ लता हुआ वो गाजी काइट क्लब के प्लेयर हैं ऊपर से और नीचे से द टेम्पल गाजी के प्लेयर बाहर का तेजी से मुठा लेके जाते हैं। एक डाल गद्दा मारते हो चक्कर देते हैं, यहाँ पे रुका एक बार फिर गद्दा मार दे और यहाँ पे चक्कर देते हो और यहाँ पे बहुत ही तेजी से बाहर खींची और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन पेच काट दिया गाजी काइट क्लब ने ऊपर से। आइए सुपर फाइटर वर्सेस जेडी के बीच में गेम होता हुआ और फाइटर की तरफ से पेच लड़ा रहे हैं अंशु भाई नीचे से और ऊपर से लड़ा रहे हैं जेडी के प्लेयर। सामने देखिए जगह बना रहे हैं दोनों खिलाड़ी और दोनों के बीच में देखते क्या होता है। दोनों खिलाड़ी तैयारी लेते हुए जेडी काइट क्लब और फाइटर के बीच में गेम होता हुआ, फाइटर के खिलाड़ी हैं नीचे से, ऊपर से हैं जेडी के प्लेयर और जेडी काइट क्लब के प्लेयर ऊपर से मुड्डा रखते हुए पेस है की आवाज़ लग चुकी है। अंदर जाते हुए थपकी देते हल्के हाथों से पतंग अपनी ऊंची करते हुए फाइटर के प्लेयर, चक्कर देते हुए दोनों खिलाड़ी जेडी काइट क्लब के खिलाड़ी अंदर चढ़ के आते हुए मौके का इंतजार करते हुए जगह बनाते हुए अपनी। सामने पेच लड़ता हुआ दोनों खिलाड़ियों के बीच में और यहाँ फाइटर के खिलाड़ी ने अरे क्या हुआ ये, और यहाँ पे जेडी काइट क्लब के प्लेयर ने बहुत ही तेज़ी बाहर खींच के पेच काट दिया फाइटर को। ओल्ड एवन और न्यू मौलवीगंज के बीच में गेम होता हुआ, ओल्ड एवन के खिलाड़ी पेच लड़ा रहे ऊपर से और न्यू मौलवीगंज के खिलाड़ी हैं पेच नीचे से। पेच कम से कम हो रहा है 500 से 600 मीटर के बीच में और न्यू मौलवीगंज के खिलाड़ी अंदर जाते हुए पेच सही की आवाज़ लग चुकी है। मौलवीगंज के खिलाड़ी तेजी से अंदर जाते हुए हल्के हाथों पत अपनी ऊंची करते हुए ऊपर से मुड्ढा रखते हुए ओल्ड एवन के बाहर का तेजी से मुड्ढा लेके जाते हो। यहाँ पे न्यू मौलवीगंज के खिलाड़ी ने बहुत ही तेजी से खींची और गद्दा मार दिया बहुत ही जानदार ओल्ड एवन ने और पेच यहाँ पर काट दिया ऊपर से। सुपर काइट क्लब और आलमबाग के बीच में गेम होता हुआ और अजमत पेच लड़ाएंगे आलमबाग के लिए नीचे से और सुपर काइट क्लब के पेच लड़ाएंगे प्लेयर ऊपर से। जगह बनाते हुए दोनों खिलाड़ी अपनी अजमत पे लड़ाते हुए यहाँ पे हाथ गरम करते हुए देखिए नीचे इस पे लड़ाएंगे दोनों खिलाड़ी के बीच में पेच होता हुआ। सुपर काइट क्लब के खिलाड़ी हैं ऊपर से और आलमबाग के लिए नीचे से अजमत। अजमत तेजी से अंदर जाते हुए ऊपर से तेजी से मुठ्ठा लेके जाते हैं बाहर की ओर, सुपर के प्लेयर थपकी देते हुए पता अपनी ऊँची करते हुए अजमत चक्कर देते हुए हल्के हाथों पतंग अपनी ऊंची करते हुए अजमत थपकी देते हुए ऊंची करते हुए पतंग। सुपर काइट क्लब के खिलाड़ी बाहर का मुड्ढा लेके जाते हैं यहाँ पर दोनों खिलाड़ी जान दिए पेच सही है थपकी देते हुए अजमत अपनी पतंग ऊंची करते हुए मौके का इंतजार करते हुए दोनों खिलाड़ी। सुपर काइट क्लब के प्लेयर बाहर का तेज लेके जाते हैं और यहाँ पे बाहर की तेज खींच के अजमत ने आलमबाग के लिए पेच काट दिया यहाँ पर नीचे से। जेडी वर्सेस फाइटर के बीच में गेम होता है, जेडी काइट क्लब के खिलाड़ी लड़ाएंगे पेच ऊपर से और नीचे से लड़ाएंगे फाइटर के लिए समीर। सामने जगह बना चुके हैं तैयारी लेते हुए दोनों खिलाड़ी, ऊपर से हैं जेडी प्लेयर नीचे से हैं फाइटर। फाइटर के खिलाड़ी तेजी से अंदर आते हुए सीटी बच चुकी है, सही की आवाज़ लग चुकी है। जेडी काइट क्लब के खिलाड़ी ऊपर से पेच नीचे से हैं फाइटर। फाइटर के खिलाड़ी थपकी देते हुए अंदर बाहर करते हुए ऊपर से जेडी काइट क्लब के खिलाड़ी बाहर का मुड्ढा रखते हुए फाइटर के प्लेयर थपकी देते अपनी पतंग चलाते हुए अंदर बाहर करते हुए मौके का इंतजार करते हुए दोनों खिलाड़ी पतंग हल्के हाथों से ऊंची करते हुए फाइटर
जेडी काइट क्लब के प्लेयर ऊपर से मुड्ढा रखते हुए बाहर का तेजी से लेके जाते हुए और जेडी काइट क्लब के खिलाड़ी तेजी से अंदर दिखाने की कोशिश की और यहाँ पर पाइटर ने बहुत ही बेहतरीन गद्दा मार के पेच काट दिया जेडी ने पाइटर को। आज यहाँ पे अपना सेकंड राउंड जेडी काइट क्लब ने क्लियर कर लिया। आप गोलू भाई से पूछते हैं स्कोर क्या रहा। गोलू भाई अपना टीम का स्कोर क्या रहा इसमें? 5-9 पाँच कटे हैं 9 काटे हैं। सेकंड राउंड था ना अपना ये? अच्छा, और आगे की तैयारी क्या है अपनी? आगे की भी लड़ना है। किससे है उम्मीद, किससे है अपना गेम सेकंड थर्ड राउंड? मूनलाइट में से जो निकलेगा उसमें। अच्छा, यंग और मूनलाइट के बीच में जो टीम निकलेगी उसका गेम जेडी से होगा। अभी उनका बाकी लड़ना है सेकंड राउंड। ठीक, और टीम के मेंबर कहाँ पर अपने? शहबाज भाई हैं जो झंडा दिखा रहे हैं। शहबाज भाई हमारे झंडा दिखा रहे, मदद कर रहे इस टूर्नामेंट में भी, साथ में सहयोग कर रहे हैं अदर टीमों का भी। फाइटर काइट क्लब और जेडी के बीच में गेम बहुत ही जबरदस्त हुआ और दोनों टीमों के बीच में स्कोर रहा है 5-9 का। ये पकड़ लिया इधर जेडी भाई, ये हमारे फाइटर क्लब है, फाइटर काइट। इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत ही अच्छा शानदार परफॉर्मेंस किया और अच्छा पेज लड़ा के बाहर हुए। बहुत ही बढ़िया गेम खेला, किसी को अंदर आना है किसी को बाहर जाना है, वो तो है ही, तो परंपरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने पार्टिसिपेट किया बढ़िया। द टेम्पल वर्सेस गाजी के बीच में गेम होता है सेकंड राउंड का और द टेम्पल के खिलाड़ी हैं नीचे से देखिए सामने पे लड़ा रहे तैयारी लेते हुए और ऊपर से हैं गाजी काइट क्लब के लिए फरहान सर और पेस लड़ता हुआ सामने। यहाँ पर पेस सही की सीटी बच चुकी है। गाजी काइट क्लब के प्लेयर ऊपर से बाहर का तेजी से मुड्ढा लेके जाते हैं, गद्दा बनाते हैं और यहाँ पे द टेम्पल के खिलाड़ी ने बहुत ही तेजी से बाहर खींच का और झटक के बहुत ही बेहतरीन पेच काट दिया यहाँ पे गाजी को द टेम्पल काइट क्लब के खिलाड़ी ने। न्यू मौलवीगंज और ओल्ड एवन के बीच में गेम होता हुआ, ओल्ड एवन के खिलाड़ी लड़ा रहे नीचे से पेच सामने और न्यू मौलवीगंज के खिलाड़ी पे लड़ा रहे ऊपर से पेच। अपनी तैयारी ले चुके दोनों खिलाड़ी सामने, यहाँ पे लड़ता हुआ ओल्ड एवन के खिलाड़ी नीचे से ऊपर से न्यू मौलवीगंज के खिलाड़ी चढ़ के जाते हुए तैयारी लेते हुए दोनों खिलाड़ी। ओल्ड एवन के खिलाड़ी तेजी से अंदर आते हुए हल्के हाथों से पता अपनी ऊंची करते हुए ऊपर से मुड्ढा रखते हुए मौलवीगंज के प्लेयर चक कर देते हुए दोनों खिलाड़ी अपनी पतंग तेजी से अंदर आते हुए मौलवीगंज के खिलाड़ी पेस सही की आवाज लगा रहे हैं हमारे सालम भाई। आज मौलवीगंज के खिलाड़ी तेजी से अंदर आते हुए हल्के हाथों से ऊपर से बाहर की गद्दा बनाते हुए बाहर का तेजी से मुड्ढा लेके जाते हैं मौलवी। ओल्ड एवन के खिलाड़ी चक्कर देते हैं बाहर की तेज पट मारते हैं और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन पेच काट दिया तेज बाहर की पट मार के ओल्ड एवन के खिलाड़ी ने और मौलवीगंज के प्लेयर पेच कट गए। आज का गेम यहीं पर समाप्त होता हुआ, पानी गिरने के कारण गेम आज जल्दी ख़त्म हो गया देखिए ग्राउंड में और सभी खिलाड़ी अपना अपना सामान पैक करते हुए और सालम भाई भी हमारे जाते हुए और आज का गेम समाप्त हो गया जिसमें फाइटर काइट क्लब इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया और जेडी अपने थर्ड राउंड में चला गया अपने ग्रुप में और गेम बहुत ही ज़बरदस्त हुआ दोनों टीमों के बीच में। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना टाइम दिया हमारे इस वीडियो को देखने में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।